हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं दिल्ली के कालकाजी मंदिर में। तो दोस्तों यहां पे हम कैसे आ सकते हैं, क्या इसका नजदीकी मेट्रो से नहीं, हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 3 और अभी हम लग चुके हैं लाइन में। दोस्तों यहां से अभी हमारा 1 घंटे बाद नंबर आएगा। मैंने पूछा लोगों से कि अभी कितने दूर है मंदिर, दोस्तों लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत दूर अंदर मंदिर। दोस्तों लगभग 1 घंटे का समय हमें लग जाएगा मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं लाइन में लगते हैं, उसके बाद चलते हैं माता के दर्शन करने। तो दोस्तों कालकाजी मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, जहां से आपको प्रसाद एंड अन्य चीज़ खरीदने का ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका मेट्रो स्टेशन और वहां से 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस से आप यहां पे मंदिर में पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यहां पे आपको हर सामान मिल जाएगा पूजा का, जो आपको सामान चाहिए यहां पे इन सभी दुकानों पे आपको यहां पे सामान मिल जाएगा जो माता को आपको चढ़ाना है। ये देखिए आपको सारा। और दोस्तों कालका जी का गेट ये रहा, 2 गेट है यहाँ पे, आप पर मेन गेट यही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, देख सकते हैं कि कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे लाइन लग के जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों यहाँ से मंदिर का गेट लग जाता है, तो आप यहीं पे अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं 5 से 10 रुपये में। और दोस्तों कालकाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल और लोटस टेम्पल भी घूम सकते हैं जो यहीं पे आसपास में है। और दोस्तों ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे रोज़ लाखों हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पे हमेशा आते हैं। अभी हम लग रहे हैं लाइन में और यहाँ से आगे चलने के बाद हम करेंगे माता के दर्शन। और दोस्तों ये मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है और दोपहर के 12 बजे करीब आधे घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है। दोस्तों मैं तो यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ, तो आप भी यहाँ पे इस मंदिर में ज़रूर आइए। जय माता दी। और दोस्तों इस मंदिर के अंदर आपको नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी, वैसे तो हमेशा मिलती है पर नवरात्रि में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाएंगे अंदर मंदिर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से अब आपको थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो गेट होते हैं उनकी दोनों की लाइन अब मिल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइन बना रखी हैं। और दोस्तों जब माता के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन जरूर करिए, तभी आपकी यात्रा को सही माना जाता है। दोस्तों हम फाइनली थोड़ी देर के बाद पहुँचने वाले हैं माता के दर्शन करने के लिए। और फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम में। तो दोस्तों माता के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे आपको दारू या तेल कुछ भी आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए आप यहाँ से आप भैरव बाबा के लिए प्रसाद ले सकते हैं। आइए चलते हैं भैरव बाबा के पास। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको देखकर अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।